आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगड़े जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। निशा बांगेर कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। ये ऐलान निशा के सामने ही भरे मंच से एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने किया है। कमलनाथ ने मंच पर खड़ी निशा के सामने निशा के बारे में जो कहा वो सियासी तौर पर काफी अहम है। पहले आपको सुनाते हैं कि कमलनाथ ने क्या कहा, फिर इसके सियासी मायने समझेंगे। ये सच्चाई आपके सामने, अभी आपने निशा बांगड़े जी से सुनी, एक अनुसूचित जाति की महिला को कैसे प्रताड़ित किया गया, क्यों, इनका क्या दोष था कि इन्होंने गृह प्रवेश में एक कार्यक्रम रखा। आप भी रखते, मैं भी रखता हूं, सब रखते, तो कौन सी परेशानी थी आपको निशा बांगड़े जी की, ये मुझे भी नहीं थी। मैंने कहा था हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और इन्होंने आवाज उठाई अन्याय के खिलाफ, ये अन्याय के महिला के अन्याय और महिलाओं के अत्याचार के ये प्रतीक है। ये आज शिवराज सिंह जी की देन है, जगह जगह महिलाओं का अत्याचार, एक उदाहरण तो आपके सामने है। मत करिएगा, हम आपसे प्रदेश की सेवा करवाएंगे, हम आपसे प्रदेश की सेवा कराएंगे, आप उदाहरण बनेगी, कोई बात नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ रही, कोई बात नहीं, पर आपकी सेवाओं की आवश्यकता मुझे प्रदेश में है। और आज आप सबको कहता हूं कि निशा बांगड़े जैसी इनको और भी महिलाओं सामने लानी पड़ेगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर की नौकरी से इस्तीफा देने वाली निशा बांगेर ने छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। दोपहर में कमलनाथ की जनसभा में निशा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल निशा बैतूल जिले के आमला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की कोशिश में थी। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही निशा बांगेर ने डिप्टी कलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जब तक उनका इस्तीफा मंजूर होता तब तक कांग्रेस पार्टी ने आमला विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जिसके बाद भी कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आमला सीट से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदलकर निशा को मैदान में उतार सकती है। लेकिन आज कमलनाथ के इस बयान के बाद एक साथ सारी अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया।